तहसील आंवला के कस्बा मोहल्ला अनूपुरा के रामचंद्र ने समाधान दिवस पर शिकायत की कि उनके आराजी आंवला में बतौर गाठा संख्या 231 मौजूद है, जिस पर रामचंद्र के भाइयों का नाम दर्ज किए जाने का आदेश उप जिलाधिकारी आंवला द्वारा धारा 38 अधिनियम के तहत पारित किया जा चुका है, लेकिन राजस्व कर्मियों के द्वारा विपक्षी लोगों से मिलकर अभी तक प्रार्थी के हक में पारित आदेश को बरामद नहीं किया गया, जिसके कारण रामचंद्र की जमीन पर अवैधानिक तरीके से भू माफियाओं के द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व भू माफिया शाकिर अली, नासिर अली तथा 3 व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य निवासी गण नालापार कस्बा थाना आंवला दबंगई के बल पर रामचंद्र की जमीन को जबरदस्ती अतिक्रमण करने पर आमादा हो गए। इन लोगों का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। रामचंद्र तहसील मुख्यालय पर समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। कोई कार्रवाई नहीं हुई तहसील स्तर से भी आपकी? भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा जी सर, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं हमारे। आप और क्या काम करते हैं? और तो अजी सिलाई करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत मजदूर किस्म के। हाँ मजदूरी करते हैं। बरेली से बबलू सागर की रिपोर्ट। तहसील आंवला में तहसील मुख्यालय पर कर्मचारी शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें तहसील स्तर के एवं तहसील क्षेत्र के समस्त शिक्षक संघ के अधिकारी एवं शिक्षक लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से ये मांग की है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यह धरना प्रदर्शन 6 फरवरी से 12 फरवरी तक तहसील स्तर पर अनवरत रूप से जारी रहेगा। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक संघ, टीईटी शिक्षक संघ, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, लेखपाल, कानून गोद संघ, आमीन संघ इत्यादि ने संयुक्त रूप से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। बरेली से बबलू सागर की रिपोर्ट।